इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डिसऑनर ऑफ अ चेक, बाउंस चेक एंड अ क्रॉस चेक। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का बेसिक कंसेप्ट, बहुत आसान सा बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, इजी वर्डिंग में, इजी लॉजिक और एग्जांपल के साथ। डिसऑनर ऑफ चेक एंड अ बाउंस चेक, ये दोनों सेम चीज़ हैं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। कंसेप्ट से पहले इनकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डिसऑनर ऑफ अ चेक, बाउंस चेक, द चेक शुड हैव बीन ड्रॉन बाय द ड्रॉअर ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम। The check should have been returned or dishonored because of insufficient funds in the drawer's account. The check is issued toward discharge of a debtor legal liability. Dishonor or a bounce check, वो check जो bank की तरफ हम amount, bank के पास कोई drawer जाए draw करने के लिए, amount लेने के लिए, amount निकालने के लिए, withdraw करवाने के लिए check उसको दे bank को, bank उसको bounce back कर दे, मतलब bank उसको amount ना दे और उसका check जो है dishonor कर दे, मतलब dishonor का मतलब उसे check की amount ना दे और उसे वो check bounce कर दे, मतलब वापस कर दे, ये amount हम नहीं दे सकते। और उसकी वजह क्या है, वो bank इस तरह क्यों कहता है, क्यों नहीं देंगे, इसकी कुछ वजूहत है, मैं बताता हूँ। ये भी हो सकता है कि बैंक के जिस ब्रांच में आप जाएं आपके अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, 2 करोड़ 3 करोड़ हो, और वो बैंक की छोटी ब्रांच हो, छोटी ब्रांच में बैंक की इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, उधर अमाउंट थोड़ी कम होती है, तो उधर उसके बैंक के पास या उस टाइम पे बैंक के पास अवेलेबल ना हो पैसे, इतना पैसा जितना आप अचानक से मांग लें, तो वो बैंक के आपको कुछ टाइम दे दे तो आपका चेक बाउंस बैक कर दे। वैसे मोस्टली इस तरह बहुत कम होता है बैंक के पास अमाउंट होती है, पर मैंने फिर भी आपको लॉजिक बता दिया। एक दूसरा जो है कि जो बैंक के पास चेक जा रहा है, जो उसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं, जो उसके ऊपर राइटिंग हुई है, जो उसका अकाउंट नंबर है बैंक का, बैंक अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट नंबर है, वो भी मैच ना हो रहा, उसके सिग्नेचर ना मैच हो रहे हैं, या चेक के ऊपर ओवर राइटिंग हुई हो, उसके ऊपर गंद बजा हो, लाइनें लगी हो, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो, तो उसकी वजह से भी बाउंस बैक और डिसऑनर हो जाता है चेक। उसके बाद तीसरा जो है, बैंक के पास अगर आपका, आप चेक लेके जा रहे हैं या जिसको आपने चेक दिया है वो लेके जा रहा है, तो आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड हो, मतलब आपके अकाउंट में फंड ना हो, मनी ना हो, तो उसकी वजह से भी आपका चेक बाउंस बैक हो जाता है। तो जो चौथा है, आपके, आपने या आप जो अकाउंट होल्डर है जिसने चेक इशू किया है, वो अपना अकाउंट ही बंद करवा दिया हो, उसने चेक लेने, जो चेक लेने जा रहा है उससे पहले पहले उसने अकाउंट ही ऑफ करवा दिया हो, या उसने कोई इशू क्रिएट कर दिया हो कॉल करके कि मेरा चेक किसी को भी बाउंस नहीं करना, मतलब किसी को भी पैसे मेरे चेक के वो नाम पर कोई भी चेक आए तो पैसे नहीं देने। या ये भी हो सकता है कि टाइम अप हो जाए, जो चेक लेकर जा रहा है उसकी लिमिट टाइम की थी 2 माह चेक पर, तो वो 3 माह बाद जा रहा है, तो चेक का टाइम जो है ओवर हो गया, डेट ओवर हो गई है, तो उस वक्त भी बैंक जो है चेक बाउंस कर देता है। तो ये इसकी कुछ थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था इन दोनों का, इन इन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन इन मौक़ों पर जो है बैंक जो है डिसऑनर करता है चेक को, बाउंस बैक करता है चेक को। आगे है अक्रॉस चेक। अक्रॉस चेक जो है मोस्टली लोगों को नाम सुनने से माइंड में आता होगा, जो चेक क्रॉस हो जाए, मतलब जो मिले ना क्रॉस हो जाए, जिस पर कांटा लग जाए बैंक की तरफ से या जो दे रहा है, बिल्कुल नहीं, इसका ये लॉजिक बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोगों के माइंड में ये आता होगा, पर मोस्टली लोगों को इसका पता भी होना है और कुछ दोस्तों को नहीं भी पता, कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, तो अभी मैं इनका, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। उससे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। इज एनी चेक दैट इज क्रॉस्ड विद टू पैरेलल लाइंस either across the whole check or through the top left hand corner of the check, the symbol means that the check can only be deposited directly into a bank account and cannot be immediately cashed by a bank or any other credit institution. Cross check jo hai iska basic purpose hota hai check ko save karna, safely kisi ko अमाउंट रिसीव, अमाउंट भेजना, किसी को मनी ट्रांसफ़र करना, इसका मतलब ये है कि जो भी एक बंदा जो चेक इशू कर रहा है, जो क्रॉस चेक इशू कर रहा है, या आप किसी से क्रॉस चेक ले रहे हैं, या आप किसी एम्प्लॉयर को इशू कर रहे हैं, उसके लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 2 लाइनें लगा देते हैं। ये 2 लाइनें जो है एक सिंबल होता है जिससे बैंक को पता चलता है कि ये जो चेक है ये किसी भी अकाउंटर से जा कर चुप करके आप किसी भी बैंक के अकाउंटर पर दें उसको चेक, वो आपको अमाउंट नहीं देगा।
तो ये क्रॉस चेक जो है बैंक वेरीफाइड करता है, बैंक जो है उसको आइडेंटिफाई करके उस देखता है उसकी लाइनों को, जिस बंदे का नाम लिखा है। क्रॉस चेक की भी आगे से टाइप्स होती हैं, क्रॉस चेक की जो दो लाइनें हैं उसके अंदर ये भी लिख देता है, जिस जो आपको दे रहा है, जो सैलर जो एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, किसी को भी, यहाँ किसी से आप रिसीव कर रहे हैं, वो दो लाइनों के दरमियान में लिख देता है। ये इस बैंक से जाके मतलब बैंक का नाम लिख देता है, ऊपर से लिख देता है कि ये किस बंदे को मिलना है, अकाउंट पे ही, मतलब इस तरह का लिख देता है कि ये जिसका मैंने नाम लिखा है सिर्फ इसे ही मिले, मतलब और कोई आदमी आए जिसका और कोई नाम हो उसको ये चेक नहीं दिया जा सकता, और ये इस बैंक से ही वेरीफाइड हो सकता है। तो ये क्रॉस चेक के दरमियान में ये भी लिखा जाता है, जिसकी वजह से चेक को सेव हो जाता है। तो क्रॉस चेक का बेसिक जो लॉजिक है, लेफ्ट कॉर्नर पे टू लाइंस लगाई जाती हैं पैरेलल, जिसकी वजह से बैंक को डायरेक्शन, एक सिंबल, एक इशारा मिल जाता है कि ये चेक सिर्फ बैंक के अकाउंट पे या किसी भी बैंक इंस्टीट्यूशन के अकाउंट से ये नहीं लिया जा सकता, अमाउंट पैसे की नहीं रिसीव की जा सकती, ये जो पर्टिकुलर पर्सन को इशू किया गया है वही ले सकता है, वो भी बैंक से वेरीफाई करके, उसके अकाउंट से वेरीफाई कर उसको अमाउंट दी जाती है। आई होप दोस्तों आपको इन दोनों का बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।